हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं एडवांस में, और कल इसी के चलते एक छुट्टी रहेगी। फेस्टिवल गणेश चतुर्थी ट्यूसडे का, वो अपना फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, लेकिन कल छुट्टी होगा। तो अपना फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट आज ठीक है, आज एकदम पॉज है मार्केट, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है। तो अपना निफ्टी 20,163 पे है, एक हाई लगाया आज अराउंड 20,195 का। उसके बाद मतलब कहीं जा ही नहीं रहा मार्केट, थोड़ा बहुत उसमें फॉज है। थोड़ा बहुत पुल बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, इतना रन अप के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक एक्सपेक्टेड है, होना भी चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे ज़्यादा डाउन है, क्योंकि एक बेरिश कैंडल ऑलरेडी बना हुआ है शूटिंग स्टार। और उसमें क्या है कि मेन बैंक निफ्टी ट्रैक कर रहा है HDFC बैंक। आज HDFC बैंक अराउंड 1.7% नीचे एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है, अराउंड अराउंड 1624 का एक सपोर्ट है उधर, वो लेवल पे एक सपोर्ट लेना चाहिए HDFC बैंक। तो काफ़ी दिन रन अप के बाद एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनता है, और ये सब इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। और PSU बैंक एकदम रॉकेट हाई में, और जो प्राइवेट बैंक है, और सारा प्राइवेट बैंक आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, और अभी ICICI बैंक अभी हरे निशान में आ गया, नहीं तो वो भी लाल निशान में था। तो HDFC बैंक हो गया, तो आज एक करीब 1.7% नीचे, तो जैसे कि मैं बताया 1624 का एक सपोर्ट है, वो लेवल तक आप वॉच आउट कर सकते हो। और आज मेजर डेवलपमेंट देखिएगा तो हम लोग ये भी बात करेंगे। और बैंक निफ्टी में एक जो ट्रेड था अपना ऑप्शन ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का एक ये था ट्रेड था, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे क्या कैसा हुआ, कैसा कौन एग्जिट क्यों है ट्रेड, जो जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो जैसे कि जैसे पता है 3 मिनट टाइम फ्रेम और एक चार्ट फ्रेम, और हम लोग आएंगे एक 20 EMA चाहिए अपने को, अपना 20 EMA, जैसे कि न्यू कमर है उनको पता है 20 EMA चाहिए, ठीक है 20 EMA। RSI 50 का नीचे होना चाहिए, जैसे अगर पुट बाई करना है RSI 50 का नीचे क्रॉस करना चाहिए, और 20 EMA भी सेम टाइम क्रॉस करना चाहिए। इधर का अपना कंडीशन मीट हो रहा है, 4600 188 का लेवल में अपना कंडीशन मीट हो रहा था एग्जैक्टली इधर इधर ये लेवल पे। तो उधर के बाद अराउंड आपको 120 पॉइंट का एक मूव मिला, वन वे मूव मिला। तो बस एक ट्रेड अभी काफ़ी होता है दोस्तों, अगर बार बार आप एंट्री करने की कोशिश मत कीजिए, और जो भी आप स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हो जो उसमें टिके रहिए, कुछ करीब 6-7 महीने उसको टाइम दीजिए, उसके बाद ही उसमें आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो कोई भी स्ट्रेटजी होगा वो 100% नहीं होगा, जैसे ही ऑप्शन बाई में खास करके, तो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। आपका जो एक्सपेक्टेशन जो रिटर्न है आप मिनिमम रखिए, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। जैसे कि आपको एक दिन में डबल करना, वो सब अगर एक्सपेक्टेशन रखेगा तो उसमें आपको लॉस होना पक्का है। तो इसके लिए आपको एक्सपेक्टेशन लिमिटेड रखिए, उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है इधर। तो नहीं तो जितना भी आपको ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, क्यों पैसा बनाता है, उसका महीने का एक्सपेक्टेशन है 2% 2.5%। तो आप एक दिन में चाहोगे तो डबल होना है, 100% चाहिए, 20% चाहिए, वो सब आप इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करते रहिए। और इसमें आपको डेली प्रैक्टिस कीजिए तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ। और आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट देखिए तो HAL का एक उसके वेबसाइट में एक न्यूज़ आया, तो उसने एक मेजर ऑर्डर दिया है BEL को एक भारत इलेक्ट्रॉनिक का लिमिटेड, तो उसको एक डेवलप अपना एक 20 टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉर LCA तेजस, तो उसको 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो अभी चालू होगा 2023 में, और अप टू 28 को ये कंप्लीट होने वाला है। तो 2400 करोड़ का एक ऑर्डर बुक मिला है, मैसिव ऑर्डर बुक है, और ऑफिशियल वेबसाइट में भी अवेलेबल है HAL का। तो इसके चलते उसमें एक 7% का मोमेंटम तो आया था सुबह का सेशन में, सुबह का आवर में, उसके बाद वो उधर से एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो नीचे ये लगातार ट्रेंडिंग स्टॉक है, जैसे भी हम लोग उस पर भी पहले ट्रेड कर चुके हैं इसमें, और कुछ कुछ कोई कोई लोग मैं जानता हूँ उसको होल्ड भी करते हैं, बहुत नीचे के लेवल उसमें बीच में स्प्लिट भी हुआ था ये। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अभी 2-3 साल में, और एक बहुत शानदार कंपनी है PSU है। तो आजकल PSU एक न्यूज़ में भी, और इसको ऑर्डर भी मिला है। अभी ये ऊपर के लेवल से क्यों नीचे आया वो अभी तक पता चलेगा धीरे धीरे। मतलब 7% तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, ज़्यादा कुछ मेजर डेंट नहीं हुआ। तो अभी एक अच्छा मौका है, आप ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, अगर ट्रेंड लाइन में अगर आएगा तो ये अब अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी BEL में। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसमें होल्ड करके रख सकते हो, जिसके पास है वो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चलता रहेगा छोटा मोटा करेक्शन, और आप उसमें बने रहिए।
और HCL में भी देखते हैं, HCL में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं वो आज, इसका चलते HCL कोचिन शिपयार्ड का भी उसका मैं ये था HCL में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी थोड़ा डाउन ही है, इवन कोचिन शिपयार्ड भी थोड़ा बहुत का सपाट कारोबार कर रहे हैं, तो उसका भी मतलब अभी इतना चलने के बाद थोड़ा पॉज, अभी तो अभी दूसरा टेक ओवर कर रहा है जो रैली को, तो इसका चलते डिफेंस भी तो ख़राब तो नहीं हुआ, एक एक दो दिन में अभी गिरावट मिलेगा तो आप ख़राब तो नहीं हुआ, तो अब जिसके पास नीचे के लेवल में बाई करके रखा है उसमें बने रही है HCL और कोचिन शिपयार्ड वगैरह, तो ये सब अभी आज का डेवलपमेंट है। फ्रेंड्स अभी आप आज PSU बैंक में, और कुछ दिन से PSU बैंक में लगातार तेज़ी जारी है, आज भी अराउंड अपना इंडियन ओवरसीज़ बैंक 17% रिटर्न दे चुका है, इंट्राडे गेन है, तो अभी कब तक सस्टेन करेगा वो देखने वाली बात है, तो जिस जो भी हमारा लेवल पे मतलब 30.9 का लेवल है हमारा बाइंग प्राइस, ब्रेकआउट लेवल था, तो लेवल से जब भी कोई भी बाई किया तो अभी होल्ड कीजिए, अब फ्रेश एंट्री का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये लेवल पे 46 के लेवल में तो ऑलरेडी ये भाग चुका है, फ्रेश एंट्री अभी बहुत रिस्की होगा, तो अभी जो नीचे के लेवल में खड़े हैं तो अभी उसमें लगे रही हैं, और बाकी फ्रेश एंट्री का कोई एडवाइस नहीं है, और इसमें अभी देखते हैं अभी क्या थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है अराउंड 40 के लेवल में, और हम लोग उसमें उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना है करके, उसके बाद वापस पिरामिडिंग करना है, ऐड करना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज अराउंड 19% चढ़ गया अभी, और लगातार चढ़ रहा है, देखते देखते धीरे 1% चढ़ गया है, लगातार बाइंग हो रही है, और जो जो पार्टिसिपेट नहीं किया PSU बैंक में तो आप किनारा बैंक में सोच सकते हो, तो अभी भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, तो अभी भी अराउंड 371-372 लेवल में बाई कर सकते हो, अराउंड 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा इसका नीचे, 361-362 का एक स्टॉप लॉस लगा के अराउंड 460-450 का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये जितना जल्दी होने वाला नहीं है, काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी बड़ा बैंक है अपना इंडियन ओवरसीज से, तो कुछ टाइम देना पड़ेगा उसको, उसके बाद ही होगा ये। केनरा बैंक में आप एक कर सकते हैं, और एक दूसरा एक बैंक है अगर जिसको PSU बैंक चाहिए तो आप बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी सोच सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया में भी ठीक है, अभी इतना रनअप नहीं हुआ है, ये कल जस्ट ये अपना ब्रेकआउट लेवल पे ही, आप इसमें भी एक कोशिश कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, तो क्योंकि आज अराउंड 4% ऊपर है, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक छोड़ दीजिए, इसमें बैंक ऑफ इंडिया में आप एक अराउंड ये ब्रेकआउट लेवल 103 का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में, तो अभी जिसको चाहिए PSU बैंक वो उसमें पार्टिसिपेट करना है रहेगा तो। और एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में हम लोग भी एक पिछले टाइम में भी हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे उसमें, तो वो है सेतिया इंडस्ट्रीज़, तो वापस हमारा रेडर में आया सेतिया इंडस्ट्रीज़ करके, तो एक ब्रेकआउट लेवल में हम लोग ट्रेड किए थे उसको, तो अराउंड आज भी 4% के ऊपर चल रहा है काम, एक अराउंड ये चल रहा है एक राउंडिंग बॉटम, एक पैटर्न था पहले हम लोग जब भी ट्रेड किए थे तभी आपको याद ही होगा, तो अभी आज वापस ये रडर में आया, एक कंसोलिडेशन हुआ काफ़ी टाइम, लगभग समझ समझिए एक महीने में कंसोलिडेट हुआ, एक 20-25 दिन में, उसके बाद ये आप वापस अप मूवमेंट चालू करेगा, ये तो चालू करेगा तो आपको टारगेट अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट अभी आप देख सकते हो, अभी नेक्स्ट अभी रेसिस्टेंस है 154 का, रेसिस्टेंस है 154 का टारगेट के लिए हम लोग अराउंड आज का लो 133 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग उसको ट्रेड करेंगे सिटी इंडस्ट्री को, ये भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल स्टॉक है, क्योंकि हम लोग इसमें पहले पहले भी ट्रेड कर चुके हैं, उसका चार्ट स्ट्रक्चर अपने को पता है, तो सेती इंडस्ट्रीज रहेगा दोस्तों दूसरा स्टॉक, और जो PSU का बताया उसमें इंटैक्ट रहेगा, और ये दूसरा सेती इंडस्ट्रीज, और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए, और अपना क्वांटिटी साइज मैनेज कीजिए अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।